This is skincare clinic, and we are again with another patient of hair transplant. और इस patient में हमने good density भी दी है और दूसरा patient satisfaction भी important होता है, तो हमने पूरा area cover किया है जितना हम कर सकते थे with available grafts. And the patient belongs to Pune. Actually वो पुणे में work कर रहे हैं और वहाँ से हमारे इधर transplant चंडीगढ़ से हैं, not पुणे. एंड वहाँ से उन्होंने हमें पता किया ओवर द फेसबुक एंड गूगल एंड एवरीथिंग, एंड देन ही चूज अस फॉर द ट्रांसप्लांट. मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँ क्योंकि आजकल मुझे काफ़ी फ़ोन आते हैं पेशेंट के अबाउट द ग्राफ्ट काउंट. सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि काउंट कितना लग रहा है, क्योंकि आजकल बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि हमें 50,000 दो हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे, हमें 40,000 दो, हमें 30,000 दो और हम आपका ट्रांसप्लांट कर देंगे, या फिर हम 8 रुपये ग्राफ्ट लेंगे, 10 रुपये ग्राफ्ट लेंगे. ये ज़्यादातर होता है उन लोगों के साथ जो मुंबई दिल्ली में बात करते हैं और बाद में हमसे बात करते हैं फ़ोन पे, और जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें कुछ और रेट बताया जाता है. लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, जो रेट हम बताते हैं वो लास्ट ही होता है, क्योंकि हम बार्गेन नहीं करते लेकिन रिज़ल्ट ज़रूर देते हैं. दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, मैंने बताया पेशेंट को कि रेट के पीछे आजकल लोग सबसे पहले रेट ही पूछते हैं, तो अच्छी बात है, रेट का पता होना चाहिए कि कोई डॉक्टर ज़्यादा तो नहीं ले रहा है या कोई डॉक्टर कम तो नहीं ले रहा है. लेकिन रेट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्वालिटी. पेशेंट ये भूल जाता है कि जब उसके 5-10 हज़ार ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन उसे ज़्यादा क्वालिटी मिल रही है, और वो वैसा नहीं करके सस्ती जगह करा लेता और बाद में वो हमेशा के लिए ठग जाता है. क्यों? क्योंकि वो बार बार ट्रांसप्लांट नहीं करा सकता. हम ट्रांसप्लांट बार बार नहीं कराते, हम बार बार ओटी टेबल पर नहीं लेटना चाहते, हम एक बार ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और चाहते हैं कि उसी में सही रिज़ल्ट आए. और नहीं आएंगे तो फिर हम अपने मन को समझा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कम डेंसिटी सही, थोड़े बाल तो आ गए. लेकिन इससे बेहतर है कि आप उस तरह की डेंसिटी और उस तरह का रिज़ल्ट के बारे में सोचें जो एक्चुअली में आपको मिलना चाहिए, और जितने पैसे में हम आपको दे रहे हैं दैट इज़ फार मच अफोर्डेबल, मुझे ऐसा लगता है. अभी पेशेंट से भी हम पूछेंगे तो आप उनसे बात करके देखिएगा. एंड थर्ड थिंग इज़ कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मनी के बाद. डेंसिटी अगर सही ना हो तो पेशेंट ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी गंजा ही है. तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम पेशेंट की सोच को समझें, वो क्या डेंसिटी चाहता है ये भी ज़रूरी है, प्लस हम भी उसे एक अच्छा ऑफर करें कि कम रेट में भी उसे अच्छी डेंसिटी मिल जाए, प्लस डॉक्टर अपनी तरफ से भी चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा ग्राफ्ट लगा के गुड डेंसिटी दे सकता है. पर डिपेंड करता है वो पेशेंट किस टाइप का है, कुछ पेशेंट बहुत सेल्फिश होते हैं और कुछ बहुत ही अच्छे भी होते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है. एंड कुछ पेशेंट पूरा लार्ज ट्रांसप्लांट कराते हैं तो इसमें हम लोग पेशेंट को कुछ ग्राफ्ट फ्री भी दे देते हैं, जैसे कि 100 एंड 200. और कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट ट्रांसप्लांट कराते हैं जो हाफ स्काल मतलब इतने एरिए को कवर करता है, जिसमें हम ग्राफ्ट फ्री नहीं दे सकते क्योंकि हमें इतना अमाउंट नहीं मिलता. फिर अब हम पेशेंट के पास आते हैं, पेशेंट से बात करेंगे. एंड आपको कैसा लगा ट्रांसप्लांट हमारे इधर करा के, और आपने हमें क्यों चूज़ किया ट्रांसप्लांट? मैंने यहाँ पे आके इधर चूज़ करा क्योंकि मैं बहुत टाइम से एक्चुअली ट्रांसप्लांट्स को रिसर्च कर रहा हूँ. मैं दिल्ली भी गया हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह रिसर्च करा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मेरे को मोस्टली सब जगह मार्केटिंग हबी लगता था कि जैसे प्राइस बहुत ज़्यादा हो गए उधर, चीज़ें ऐसे बताना कि पीआरपी सेशंस आपको ज़्यादा लगेंगे. डॉक्टर वाज वेरी जेन्युइन एंड हॉनेस्ट अबाउट ऑल दी आइडियाज ही गिवन टू मी, एंड इनके रिव्यूज़ अच्छे थे. कॉस्ट वाज मच कंफर्टेबल, जैसे आप कहीं दिल्ली वगैरह ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे डॉक्टर का 45 लगेगा, फिर उनके सबॉर्डिनेट का जाते जाते 27 लगेगा, डॉक्टर का 27 रुपीज़ पर ग्राफ्ट है. उसके बाद आपका लगभग पहुँचते 1,00,000 उसके ऊपर ही जाएगा जीएसटी वगैरह. डॉक्टर का मतलब वहाँ पे जीएसटी भी चार्जेस लिए जाते हैं. हाँ, जीएसटी चार्जेस, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम लोग किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं लेते, क्योंकि हम जीएसटी जब हम जीएसटी तब लेते हैं जब हम खुद जीएसटी में आ रहे हैं. और आजकल पेशेंट को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जीएसटी चार्जेस लेके, कि जो अमाउंट है उसमें भी उससे 14% एक्स्ट्रा या 18% एक्स्ट्रा ले लिया जाता है, जो हम लोग नहीं करते हैं, जो पेशेंट आपको खुद बताएंगे. एंड दूसरी थिंग, आपको डेंसिटी कैसी लगी? आर यू कंफर्टेबल विद द डेंसिटी? आई एम वेरी मच कंफर्टेबल डेंसिटी, मेरे को इतना उम्मीद नहीं थी कि साइड डेंसिटी आ जाएगी,
स्वेलिंग के बाद में थोड़ा ज़्यादा रिलायबल लगा। मतलब शुरू में जब पेशेंट के हेयर लगाए जाते हैं तो सिंपल बात है, यहाँ पे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि थोड़ा सा स्वेलिंग आती है ताकि ब्लीडिंग कम हो, क्योंकि जो नीचे ब्लड वेसल हैं हमको ब्लड वेसल से स्किन को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ता है ताकि ब्लीडिंग कम हो। अब जब स्किन ऊपर हो जाती है तब हम ग्राफ्ट लगाते हैं जिसकी वजह से स्लिट बनाते टाइम बिल्कुल लेस ब्लीडिंग होती है, और कहना चाहिए कि हमारे पूरे ट्रांसप्लांट में हार्डली 10 ml ब्लड लॉस होता है। एक पेशेंट 350 ml डोनेट करता है एक बार में और हम सिर्फ 10 ml बहाते हैं पूरे ट्रांसप्लांट में, जो कि 2 दिन तक चलता है। इनके केस में 2 दिन तक चला था ट्रांसप्लांट, और हमने टोटल 5500 ग्राफ्ट्स नहीं शायद 5700 लगाए हैं, क्योंकि पेशेंट ने हमें खुली छूट दी कि आपको मेरा बस अच्छा एरिया भरना है, मुझे गुड रिजल्ट्स चाहिए, इसलिए हमने भी अपना पूरे 100% दिया है उसमें। एंड अब क्लोज से देखेंगे कि डेंसिटी कैसी है, क्लोजली देख सकते हैं कि बिल्कुल डेंस एरिया पीछे तक हमने कवर किया है और सामने भी बिल्कुल क्लोज डेंसिटी दी है, प्लस एंगल भी हमने बिल्कुल क्लोज अच्छे बनाए हैं जो एंगल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं पेशेंट में। एंड दिस इज़ द आई थिंक अराउंड 3rd day हुआ है अभी, हाँ ये 3rd day है इनके ट्रांसप्लांट का, और जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अबाउट ट्रांसप्लांट। एंड हमारा जो सेंटर है भोपाल में है और अभी सिंगल सेंटर ही है, अगर आपको हमारी तरफ से कोई और कॉल करता है किसी और स्टेट से तो आप उनसे बच के रहें। दूसरा, अगर आप ट्रांसप्लांट के करवाना चाहते हैं तो यू आर वेरी वेलकम, एंड इफ़ यू वांट अ गुड डेंसिटी ट्रांसप्लांट इन अ अफोर्डेबल अमाउंट देन यू कैन चूज स्किन केयर क्लिनिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो डॉक्टर से स्ट्रेट कंसर्न करें, किसी और की बातों पर नहीं जाएं, जैसे yes. रिव्यूज वगैरह जो आजकल फॉल्स रिव्यू वाला काम भी चालू हो गया है। लोग कहते हैं कि मैंने ट्रांसप्लांट कराया, आप मेरे से फ़ोन नंबर लो फिर मैं बताऊंगा किससे ट्रांसप्लांट कराना है, तो मतलब वो आपसे पैसे भी लेगा और आपको कहीं पे भी भेज सकता है, ज़रूरी नहीं कि सही जगह, जो डॉक्टर उस बंदे को पैसे दे रहा होगा वो उसी के पास जाएगा। तो इन्होंने भी रिव्यूज़ देखे, फॉल्स रिव्यूज़ भी देखे, ट्रू रिव्यूज़ भी देखे, जब इनको सही लगा कि हाँ ये डॉक्टर सही हैं तभी इन्होंने चूज़ किया। आप भी काफ़ी चीज़ों को सोच समझ के अच्छे डॉक्टर को चुनें। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, कम से कम उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, अदरवाइज वो पैसा डूब जाएगा। थैंक यू।